गिलगित के पास पहुंचते ही फिजा खुल जाती है. Nothing compares to the beauty of these valleys. This place and its people are beautiful inside out. यहाँ के लोगों के ख्वाब यहाँ के पहाड़ों से भी ऊंचे हैं. और ऐसा ही ख्वाब हसन सदपारा ने पूरा किया. A mountaineer, an adventurer, and the first Pakistani to have climbed 6,000-8,000-meter peaks, including Mount Everest and K2. Bismillahirrahmanirrahim. मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान और सदपारा से मेरा ताल्लुक है. इस फील्ड में मेरा वाली साहब पहले काम कर रहा था, तो इसलिए मैंने इस फील्ड में कोकोमाई के शोबे में 1999 में मैंने कदम रखा. तो 1999 में ही मैंने जिससे कहा जाता है कातिल पहाड़ किलन माउंटेन नंगा पर्वत, उसके ऊपर मैंने हिलाल परचम लहरा के मुल्क और कौम का नाम रोशन करने का उस रब की तरफ से मुझे मौका फराहम किया. मैंने अहद किया उस रब से, यार अब इन्होंने हमारा पाकिस्तान के अंदर आके जो है हमारा पाकिस्तान का 8,000 पीक के ऊपर जो है अपना कंट्री का फ्लैग चढ़ा के इस तरह की उन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया है, आया मैं भी इस फील्ड में ऐसा लेके मैं मुल्क और कौम का नाम क्यों नहीं कमाया कहकर मैंने फैसला किया. एवरेस्ट भी 4 दिन के अंदर विदाउट ऑक्सीजन, K2 भी मैंने विदाउट ऑक्सीजन 4 दिन में किया. गजबुम 2 और G1 और G2 जो कहा जाता है वो 7 दिन के अंदर दोनों हाईएस्ट. जबरदस्त. मुझे बताएं आपका ख्वाबों का पाकिस्तान कैसा दिखता है? मेरा ख्वाबों का पाकिस्तान ये है कि पूरे पाकिस्तान का लोग बाहर कंट्रीज का लोग पाकिस्तान आए, पाकिस्तान देखे, यहाँ पे बिल्कुल अमन है, वो देख के जाए, यहाँ पे कोई किसी चीज का कोई खतरा, कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं. इस वक्त आपको पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, पाकिस्तान से बाहर लोग सुन रहे हैं, कोई आखिरी मैसेज आप उनको देना चाहेंगे? तो मैं पूरी 18-19 करोड़ कौम के लिए मेरा यही मैसेज है कि जो भी अपना हाथ से अच्छा काम होता है वो कर दे. एजुकेशन के हवाले से हर डॉक्टर के लिहाज से हम मेहनत करेंगे तो हमारा मुल्क का और नाम बरकरार दूसरा ममालिकों में शामिल भी होंगे, बरकरार रहेंगे. मैंने 2400 किलोमीटर ये मोटरसाइकिल चलाई है कराची से गिलगित बल्तिस्तान तक. मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ टोटल पार्कों का क्योंकि उनकी वजह से ये मेरी पूरी जर्नी मुकम्मल हो सकी है, और आप लोगों का इसलिए आप मेरी ये वीडियोस लाइक कर रहे थे और उसकी वजह से मैं ये पूरा सफर कंप्लीट कर सका हूँ. पाकिस्तान में अमेजिंग अनबिलीवेबल लोग हैं जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, एंड ये वो लोग हैं हु गो फर्दर.